हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल MM टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेल्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्क वेल्डिंग में मशीन में दो प्रकार के होते हैं, जो कि एसी वेल्डिंग मशीन होता है और डीसी वेल्डिंग मशीन होता है। इसमें हम लोगों ने एसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो डीसी के बारे में पढ़ना, ठीक है। एसी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसी के बारे में पढ़ा था कि एसी वेल्डिंग जो होता है इसमें किस तरह का, इसमें फेरस धातु के लिए वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसफार्मर के द्वारा, मतलब वोल्टेज को कम, ज्यादा आ रहा था वोल्टेज तो उस वोल्टेज को रिड्यूस करके कम करके और ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम कर रहे थे, जिसके माध्यम से कम कर रहे थे वो ट्रांसफार्मर था, और किस तरह का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता था, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसमें एसी में देखा था, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो डीसी में देखने वाले हैं कि डीसी का प्रयोग कहाँ करते हैं, डीसी में, डीसी का, डीसी द्वारा वेल्डिंग करने के लिए किस किस चीजों का प्रयोग किया जाता है, वो सारा चीज हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे अच्छे तरह से ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डीसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग जो होता है इसमें दो, ये दो प्रकार की होती है। डीसी वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जो आपके सामने है यहाँ पे देख रहे होंगे, जनरेटर सेट, ठीक। डीसी वेल्डिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होती है। पहला होता है, एक होता है वेल्डिंग जनरेटर सेट, दूसरा होता है रेक्टिफायर सेट, यानी वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट, और पहला जनरेटर सेट। जनरेटर सेट, जनरेटर सेट क्या है? जनरेटर सेट बोले तो जनरेटर क्या है? सीधा सीधा जनरेटर वो है जो मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है या जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उससे ही जनरेटर कहा जाता है। क्लियर? फिर से एक बार सुन लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहा जाता है, यानी जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर जो होता है दो प्रकार का होता है, बेसिकली यहाँ पे जनरेटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है मोटर जनरेटर सेट, दूसरा होता है आपका पेट्रोल डीजल जनरेटर सेट कह सकते हैं, या पेट्रोल डीजल सेट कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे मोटर जनरेटर सेट के बारे में, और यहाँ ये बोर्ड पे ध्यान देते हैं, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देंगे बेटर समझ में आए। मोटर जनरेटर सेट क्या है? मोटर जनरेटर सेट जो होता है इसमें इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वेल्डिंग में। डीसी वेल्डिंग में मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। क्लियर? इसमें इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है वेल्डिंग करने में, अधिक किया जाता है वेल्डिंग करने में। इसका प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने में। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा पॉइंट है आपका मोटर जनरेटर सेट में जो है मोटर तथा जनरेटर, मोटर और जनरेटर एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं, ठीक है। इसमें मोटर तथा इसमें मोटर तथा जनरेटर इसमें मोटर तथा जनरेटर एक ही शाफ्ट पर फिट होता है, ठीक है। इसमें मोटर तथा जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर
फिट होता है। नेक्स्ट है इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है, इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो 60 से 100 वोल्ट के बीच रखा जाता है। इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज साठ से सौ के सौ वोल्ट के बीच रखा जाता है। इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो साठ से सौ के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है इस सेट में आर्क जो होता है आर्क वोल्टेज 15 से 45 रखा जाता है। ठीक है, इस सेट में आर्क 15 से 45 वोल्ट रखा जाता है। नेक्स्ट स्टार मारेंगे और लिखेंगे कि इसकी क्षमता 20 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर होता है। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मोटर जनरेटर सेट में इसका प्रयोग सबसे अधिक वेल्डिंग क्षेत्र में किया जाता है। जो मोटर जनरेटर सेट होता है सबसे ज्यादा इसका प्रयोग वेल्डिंग क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो आपका इसका जो क्षमता होता है वो 20 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक होता है, मतलब इतना करंट वो दे सकता है। इसकी क्षमता जो होती है 20 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के करंट की होती है। इसमें जो होता है इसमें जो होता है ओपन सर्किट में जो होता है वोल्टेज 60 से 100 तक रखी जाती है। इससे क्या इससे आर्क बनाना आसान हो जाता है और इसमें ओपन सर्किट 60 से 100 वोल्ट रखी जाती है। नेक्स्ट है इस सेट में 15 से 45 इस सेट में आर्क जो होती है 15 से 45 वोल्ट तक रखी जाती है। इस सेट में आर्क वोल्टेज 15 से 45 तक रखी जाती है। इसमें मोटर तथा जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल या डीजल सेट। इधर पेट्रोल और डीजल सेट का प्रयोग जो होता है साइट वर्क के लिए किया जाता है। साइट वर्क बोले तो जैसे प्लांट में किसी एरिया में काम चल रहा है जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पे क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें इंजन लगा होता है और इंजन को हम पेट्रोल या डीजल के माध्यम से चलाते हैं और उस इंजन से हमारा मोटर का रोटर कनेक्टेड होता है, जिससे हमें रोटर जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त हो जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम अपना वेल्डिंग का कार्य कर लेते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग साइट वर्क में किया जाता है। ये जब चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज भी करता है। इसमें एक हानि है कि ये जब चलता है तो इसमें बहुत ज्यादा आवाज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक वेल्डिंग का मुख्य मशीन है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन है। यह एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करता है। ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है यह एक तरह का ट्रांसफार्मर है।
रेक्टिफायर क्या है? यह एक तरह का ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर रेक्टिफाइंग यूनिट लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब ये मैंने अभी क्या बोला कि रेक्टिफायर एक ट्रांसफार्मर है जो कि इसमें एक रेक्टिफाइंग यूनिट लगा रहता है, एसी में डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब ट्रांसफार्मर होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या कर रहा है, वो वोल्टेज को कम कर रहा है तथा करंट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, क्लियर। रेक्टिफायर एक ट्रांसफार्मर, एक वेल्डिंग मशीन, एक जो है ट्रांसफार्मर है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक रेक्टिफाइंग यूनिट भी लगी होती है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कराता है। यह वोल्टेज को कम करता है तथा करंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पोलरिटी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के पोलरिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।